क्वेश्चन नंबर 23 हमने रीड आउट किया है एक बार। Bosch Limited made the second and final call on its 50,000 equity shares of rupees 2 per share on 1st January 2018. The whole amount was received on 15th January 2018, except on 100 shares allotted to Venkat. Pass the journal entries for the call money due and received by opening calls in arrears account. मतलब आपको calls in arrear account खोलना है और फिर आपको वो entry करके दिखानी है। मैं बेटा यहां लिखता हूं, without opening calls in arrear account, यहां पे लिखता हूं विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अगर हम लोग कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोले तो हम लोग क्या एंट्री करते हैं? पहले हम लोग ड्यू की एंट्री करते हैं 1 जनवरी 2018 इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट पचास हजार शेयर्स पे 2 रुपए हमने ड्यू करना है। हमने यहां पर ड्यू करा 1,00,000 रुपए। पंद्रह जनवरी को हमें पैसा मिल रहा है और हम सेकेंड एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। एक लाख रुपए हमारे पास आने हैं जिसमें से हमारे को 100 शेयर्स पैसा नहीं दे रहे हैं। हंड्रेड शेयर्स इंटू 200 रुपीज 100 शेयर्स इंटू 200 रुपीज माइनस कर देते हैं 1,00,000 माइनस 200 99,800 अभी तक हम लोगों ने यही सीखा हुआ ठीक है। अगर वो हमें स्पेसिफिकली कह रहा है बाय ओपनिंग कॉल सेंड एरियर अकाउंट बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, अगर वो हमें ऐसे कह रहे हैं नहीं साहब आप हमें कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोल के दिखाएं, तो बेटे हमें कुछ अलग नहीं करना। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत अलग चीज हो जाएगी कॉल्स इन एरियर अकाउंट अगर यहाँ खुलेगा तो। हमें क्या करना है देखो जरा, ड्यू की एंट्री जो पैसा ड्यू करने की एंट्री है वो तो सेम रहेगी,
equity share. Second end. Final call account debit. Equity share capital account. ₹50,000 shares into two. ये 1 जनवरी को एंट्री होनी है, 15 जनवरी की एंट्री. Bank account debit. Call sale arrear account debit, जो आपको बाद में मिल जाएगा. Call sale arrear account debit. To share. Second and final call account. 1 लाख. जो पैसा मेरे पास नहीं आ रहा वो कॉल्स इन एरियस में आएगा. 100 शेयर्स इंटू 200. और जितना पैसा मेरे पास आ रहा है 1 लाख माइनस 200 99,800. तो जितना पैसा मेरे पास नहीं आया वो कॉल्स इन एरियर्स में आ गया. और जितना पैसा मेरे को रिसीव हो रहा है वो बैंक अकाउंट में आ गया 99,800. अगर देखा जाए तो दोनों मेथड्स में बस डिफरेंस ये है कि फर्स्ट वाले मेथड में कॉल्स इन एरियर अकाउंट को हम डेबिट नहीं करते हैं और डायरेक्टली माइनस कर देते हैं और अमाउंट बाहर लिखते हैं. यहाँ पर कॉल्स इन एरियर अकाउंट हम लोगों को ओपन करना होता है, हमें कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलना होता है, वहां पे हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट को डेबिट करते हैं. कॉल्स इन एरियर अकाउंट को डेबिट करते हैं अनपेड अमाउंट, जो पेड हमारे पास अमाउंट नहीं आता हम लोग अनपेड अमाउंट से इसको डेबिट करते हैं. 1 लाख रुपया हम लोगों ने ड्यू किया था, 200 रुपीज अनपेड रहे, यानी पेड अप अमाउंट कितना रहा मेरे पास जो बैंक में आ गया 99,800. ये पेड अप अमाउंट है. बेटे मान लो अगर वो मेरे को यहां कह दे कि आप हमें कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन करके दिखाएं, अगर वो मुझे यहां पर कह दे कि आप कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन करें Card Limited was registered with a capital of ₹5 lakh in shares of ₹10 each and issued 20,000 such shares at a premium of ₹2 per share
payable as rupees 2 per share on application, rupees 5 per share on allotment, including premium, and rupees 2 per share on first call, made 3 months later. 5 लाख शेयर 10 रुपए के हिसाब से हम लोगों ने ऑथराइज कैपिटल हम लोगों को मिली है, हम रजिस्टर्ड हुए हैं। इसमें से हमने 20,000 शेयर 2 रुपए के प्रीमियम पर इशू किए हैं, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 5 रुपए अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम, 2 रुपए हम फर्स्ट कॉल पे ले रहे हैं और बाकी 3 महीने के बाद हमने 2 रुपए मंगाए फर्स्ट कॉल वाले। ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट वॉज ड्यूली रिसीव, एप्लीकेशन अलॉटमेंट के सारे पैसे हमारे पास आए हैं। बट वेन द फर्स्ट कॉल वॉज मेड, लेकिन जब पहली कॉल मंगवाई गई, वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 300 शेयर्स एंड अनदर शेयर होल्डर्स होल्डिंग 1000 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। एक शेयर होल्डर इसके पास 300 शेयर्स है जिसने अपना सारा पैसा एंटायर बैलेंस फर्स्ट कॉल के साथ ही दे दिया, मतलब बाद में जो पैसा रह भी गया उसको भी फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया। और एक शेयर होल्डर है इसके पास 1000 शेयर्स हैं, उसने हमारे को फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं करी। गिव जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस एंड शो हाउ दे विल अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट। बेटे इस पे इंपॉर्टेंट लिख लें आप लोग क्वेश्चन। एप्लीकेशन पे 2 रुपए मंगाए जा रहे, अलॉटमेंट पे 5 रुपए मंगाए जा रहे जिसमें 2 रुपए का प्रीमियम, फर्स्ट कॉल पे मंगाए जा रहे हैं 2 रुपए, बेटे 5 रुपए के अंदर 2 रुपए का प्रीमियम है, यानी जो कैपिटल है इस तरीके से है 3+2, कैपिटल के लिए 3 रुपए, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 5 रुपए, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 7 रुपए, बाकी का बैलेंस रह गया 3 रुपए का जो कि फाइनल कॉल पे आना। सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब यहां पे जब फर्स्ट कॉल की बात आ रही है, जब हम लोग फर्स्ट कॉल ड्यू कर रहे हैं, जब फर्स्ट कॉल की बात आ रही है, तो यहां पर एक 300 शेयर्स वाला है, 300 शेयर्स वाला पर्सन है शेयर होल्डर, जो फाइनल कॉल का पैसा भी यहीं पे कर रहा है। सेकेंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट फर्स्ट कॉल के साथ दे रहा है, फर्स्ट कॉल के साथ दे रहा है। ये फर्स्ट कॉल के साथ है और एक शेयर होल्डर है इसके पास 1000 शेयर्स हैं, वो फर्स्ट कॉल पे नहीं कर, फर्स्ट कॉल पे ही नहीं कर। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर्स है, वो फर्स्ट कॉल पे ही नहीं कर, क्वेश्चन को आप पहले समझ लें।
एक शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल पे ही नहीं कर रहा और एक शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल के साथ ही अपनी सेकेंड और फाइनल कॉल पे कर रहा। हमने पब्लिक को 20,000 शेयर्स इश्यू करे, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000 शेयर्स इंटू 2 40 सेकेंड एंट्री बेटे मैं थोड़ा सा ओपन कर रहा हूँ, किसी बच्चे का रह गया। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ट्वेंटी थाउजेंड शेयर्स है, पांच रुपए के हिसाब से 1,00,000, बीस हजार शेयर्स 3 रुपए के हिसाब से 60,000, 20,000 शेयर्स इंटू 2 40। और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि अलॉटमेंट भी सारी आ रही है, अलॉटमेंट भी सारी आ रही है। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, एक लाख। अब हम लोग फर्स्ट कॉल को ड्यू करते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 20,000 शेयर्स इंटू 2 40,000। बेटे यहां ना आप सबसे पहले क्या करो, आप पहले इसकी बात करो, जो ये शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहे, 1,000 शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहे, यानी हमारे पास 2,000 रुपए नहीं आ रहे जो हमारा एरियर है। अभी हम एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, मुझे नहीं पता ये बैंक में कितना पैसा आएगा, अभी उसको छोड़, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, ये मेरे को पता है, ये मेरे को पता है, 1,000 शेयर्स इंटू 2 2,000, ये मेरे को पता है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर मेरे को पता है 2,000, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 2,000। एक मेरे को और चीज पता है, मैं यहां लिखूंगा टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट,
to CallSend advance account. बेटे CallSend advance को मैंने credit इसलिए किया क्योंकि मेरी liability, मैं अगर किसी से advance पैसा ले रहा हूं तो मेरी liability और liabilities के balance credit होते हैं। ये हमारी liability है और liability के balance credit होते हैं। liability के balance credit होते हैं। सर इन्होंने हमें फर्स्ट कॉल के साथ साथ सेकंड कॉल भी दे दी। सेकंड एंड फाइनल कॉल ₹3 की। यानी 300 शेयर्स पर ₹3 ₹900 हो। 300 शेयर्स पर नहीं, ये आया नहीं और ये एडवांस आ गया। ये आया नहीं और ये एडवांस आ गया। आना कितना था फर्स्ट कॉल पे? 40,000 आना था। 40,000 रुपये आना था। देखो बैंक की वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, इधर देखो 40,000 रुपये आने थे, इसमें से 2,000 आए नहीं और 900 आ गए। 40,000 में से 2,000 आए नहीं और 40,000 में से 900 रुपीज एडवांस आ, यानी 38,900। अगर किसी को डाउट है तो मैसेज करो। अगर इस वाले पॉइंट पे किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ। पॉइंट नंबर वन, शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल 50,000 इक्विटी शेयर्स, 10 ईच। ₹500,000 हमने इशू करे हैं। 20,000 इशू एंड सब्सक्राइब ₹20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। बोला called up and paid up capital। हमने अभी तक ₹7 मंगाए 20,000 इक्विटी शेयर्स पर, ₹7 मंगाए हैं ईच, 1,40,000 हमने मंगाए हैं, 1,40,000। इसमें से बेटे जो कॉल नहीं आई, कॉल सेंड एरिया, वो 2,000 थी और जो कॉल एडवांस आ गई, कॉल सेंड एडवांस 900 हो गई, 1,38,900। पॉइंट नंबर टू, रिजर्व एंड सरप्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 20,000 शेयर्स पर आया है,
₹2 के अकॉर्डिंग 40। पॉइंट नंबर थ्री, करंट एसेट्स कैश एट बैंक। सर बैंक का कैसे पता लगेगा बेटे, बैंक का कैसे नहीं पता लगेगा, बैंक वाले अमाउंट को प्लस कर लो, 38,900, 1 लाख, 1,38,900, 40,000, 1,78,900, 1,78,900, ओके सर, नोट्स टू अकाउंट्स बन गया, सीधा बैलेंस शीट पे आ जाओ। पर्टिकुलर्स नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, पॉइंट नंबर वन, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, 1,38,900, 40,000, 1,78,900, assets, current assets, cash and cash equivalent, point number three, ₹1,78,900। बैलेंस शीट आपके सामने है, लो बेटे अर्पित, जल्दी नोट करो बेटा, नंबर 25, ग्रीन लिमिटेड इश्यूड 8,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹5 पर शेयर वॉज कॉल्ड, अभी तक सिर्फ ₹5 मंगाए, ₹2 ऑन एप्लीकेशन, 1 ऑन अलॉटमेंट, 1 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 1 ऑन सेकेंड कॉल, क्या लिखते हैं बेटा? एप्लीकेशन पे ₹2, अलॉटमेंट पे ₹1, फर्स्ट कॉल पे ₹1, सेकेंड कॉल पे, यहां लिखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स
All money were duly received with the following exceptions. A, who holds 250 shares? AK pass 250 shares. B, who holds 500 shares? And C, who holds 1250 shares? A, who holds 250 shares paid nothing after application. Let's say application di. ये तीनों कॉल्स नहीं थी। बी के पास 500 शेयर्स हैं, उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दी, फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं थी। सी के पास 1250 शेयर्स हैं, उसने फर्स्ट कॉल तक पैसा दिया, सेकंड कॉल नहीं। तो बेटे जो ये पैसा नहीं आ रहा, जैसे अलॉटमेंट पे ये अमाउंट नहीं आ रहा, फर्स्ट कॉल पे ये पैसा नहीं आ रहा, सेकेंड कॉल पे ये पैसा नहीं आ रहा, तो ये जो अमाउंट नहीं आ रहा आपके पास, ये सारा अमाउंट किस अकाउंट में जाना चाहिए? कॉल्स इन एरियर अकाउंट। यानी सर अलॉटमेंट के टाइम 250 रुपए कॉल्स इन एरियर में आएंगे, क्योंकि 250 इंटू 1। फर्स्ट कॉल में 750 शेयर्स पे पैसा नहीं आ रहा, तो 750 रुपए कॉल इन एरियर में आएंगे, 750 और 1250 2000 शेयर्स पर सेकेंड कॉल नहीं आई, तो 2000 रुपए कॉल इन एरियर पर। अभी तक हमने 5 रुपए ही मंगाए और ये पैसा यहां पर नहीं आ रहा, हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन तो मेरे पास सबकी आई है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 8000, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट to share allotment account 8000, calls in area पर आएगा 250, यहां पर आ जाएगा 7750, first call due करते हैं बेटा, share फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 8000, यहां 750 रुपीज नहीं आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट to share first call account
सेकंड कॉल ड्यू करते हैं। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट 8,000। बैंक अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, यहां पे 2,000 रुपए नहीं है, यानी बैंक में छह। यानी सर जो अनपेड अमाउंट होती है उसको कॉल्स इन एरियर में शो करना है और कॉल्स इन एरियर डेबिट होती है। अभी नहीं मिला, फ्यूचर में मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फोरफीट करेंगे।